नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। फिल्म आर्टिकल 15 जिस तरीके से चर्चे में रही, हालांकि बिहार में फिल्म रिलीज हुई और पहले दिन कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई, लेकिन इसको लेकर के अब बिहार में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। फिल्म के पहले ही दिन जिस तरीके से कुछ नहीं हुआ, माहौल काफ़ी शांत रहा। हालांकि जो थिएटर थे उनको इस बात का सस्पिशन था कि क्या फिल्म पहले दिन रिलीज होगी कि नहीं, और जब पर्दे पे आई फिल्म तो काफ़ी कुछ ऐसा नहीं दिखा कि ऐसा कुछ होगा, कुछ प्रदर्शन होगा। लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म में ब्राह्मण समुदाय को निगेटिव रोल में दिखाया गया है, उसके बाद आज पटना में भी इसका विरोध हुआ। पटना में दो जगह पे फिल्म लगी थी, वो सिनेपोलिस और मोना सिनेमा एलिफिंस्टन में लगी हुई थी फिल्म को, जिसके बाद से विरोध का सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ प्रदर्शन करते हुए हिंदू समाज के लोगों ने इसको तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया। फिल्म पहले ही दिन आई, पहले जिस तरीके से यूपी में उसका विरोध हुआ, कानपुर में काफ़ी लंबा विरोध देखने को मिला, उसके बाद वहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी लगाना पड़ा, उसी तरह आज बिहार में भी पटना में भी सड़कों पे उतरकर लोगों ने सड़क जाम किया और तत्काल प्रभाव से फिल्म को बंद करने की बात की। जिस तरीके से बात करें तो इस फिल्म में हिंदू समुदाय को लेकर के एक निगेटिव रोल प्रस्तुत किया गया है, और आर्टिकल 15 दरअसल ये नाम से ही खुद को साबित करता है कि संविधान में जो आर्टिकल 15 है, ये छुआछूत जैसे जाति भेदभाव या फिर और तरीके से जो एक भेदभाव का अपना हो, भेदभाव का एक जो तरीका होता है उसको अपनाते हुए ये फिल्म भी वैसे ही आर्टिकल 15 के तौर पे जिस तरीके से इसका नाम है उस तरीके से दर्शाया गया है। और एक आदिवासी समाज कहें या फिर एक नीची जाति के लोग कहें, ST SC को इसमें खास करके दिखाया गया है। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है इस फिल्म में जिसमें कि हिंदू समाज को निगेटिव बनाया गया हो। हालाँकि हाँ, ऊपर जाति और नीचे जाति के बीच के दूरियों को दिखाया गया है। उसके अलावा कुछ ऐसे घटना भी दिखाई गई है जो कि जाति और भेदभाव को काफ़ी अच्छे से दिखाती है। लेकिन अगर बात निर्देशक अनुभव सिन्हा की करें तो अनुभव सिन्हा जिस तरीके से अपने पुराने फिल्मों को लेकर के काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव उनके साथ चला, हालांकि जिसके बाद उन्होंने फिल्म मुल्क लिखी और मुल्क आने के बाद उनका विरोध हुआ, मुल्क में उनका काफ़ी विरोध हुआ था, हालाँकि फिल्म चली। उसके बाद अब ये जो फिल्म आई वो सामना कर रही है विरोधियों का, सामना कर रही है करणी सेना का, सामना कर रही है हिंदू समुदाय का। इस फिल्म को लेकर के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के साथ साथ फिल्म के जो लीड रोल में है आयुष्मान खुराना, वो भी काफ़ी चर्चे में है। उनको भी कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया जा रहा है, उनको भी काफ़ी धमकियां मिल रही हैं, धमकियां अनुभव सिन्हा को भी मिली। और फिल्म के रिलीज़ होने से पहले अनुभव सिन्हा ने एक इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो कि फिल्म को ख़राब करे, यानी कि फिल्म प्रदर्शन के लायक ना हो। सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म को देखा और UA सर्टिफिकेट दिया है। हालाँकि इस फिल्म को जिस तरीके से पहले से विरोध हुआ, उसके बाद इसको लेकर के 500 पत्रकार समुदाय के लोगों ने, 500 मीडिया जगत के लोगों ने इस फिल्म को देखा है, साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के लगभग 100 बड़े लोगों ने इस फिल्म को देखा है, और उसके बाद उसको फिल्म को प्रदर्शन करने के लिए पूर्ण रूप से झंडी दी। लेकिन जिस तरीके से विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि हिंदू समुदाय को निगेटिव रोल में दिखाया गया है, अनुभव सिन्हा उसको बदले, हालांकि अनुभव सिन्हा इसको बदलने को तैयार नहीं है। अब क्या कुछ होता है आगे, क्या फिल्म सक्सेस हो पाती है, अपने मुकाम को छू पाती है, या फिर ऐसे विरोध का सामना करते पर रहेगी। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह की फिल्मों का अगर ऐसे विरोध होता रहा तो समाज की उस दूरियों को, उस क्या बोलते हैं कि उस बड़ी बातों को जो फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं डायरेक्टर, क्या वो नहीं हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।